ब्राइट वेलकम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग अकाउंटिंग में टेली डॉट ईआरपी9 की क्लास में हम लोग पेरोल का टॉपिक कर रहे हैं, और पेरोल का जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं पेरोल का ऑटोफिल ईएसआई चालान। ईएसआई चालान में जैसे आप देख पा रहे हो, ईएसआई का पेमेंट जो हमने किया है वो कैश किया है हमने, और ईएसआई का जो पेमेंट है वो है मनोज चौधरी विशेष शर्मा का 372 और 343 आया है। टोटल 715 रुपए है, और टोटल 715 रुपए ईएसआई का पेमेंट किस तरीके से पास किया जाता है। अगर ये सीखने वाले और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए आज की क्लास को चालू करते हैं। आज की क्लास में आपको सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में टेली डॉट ईआरपी9 का सॉफ्टवेयर चालू कर लेना है, और जैसे टेली डॉट ईआरपी9 का सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और इसमें नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। यदि आपकी कंपनी के नेम नहीं आ रहे, फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हो, इससे पहले आपने अकाउंटिंग की कोई क्लास नहीं की, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, क्लिक करें और वहां पर प्ले लिस्ट पर क्लिक करें, वहां पर टेली डॉट ईआरपी9 प्ले लिस्ट में चले जाएं। वहां 1, 2, 3, 4, 5 क्लास से देख लें, आपको उसमें कंपनी बनाना सर्च सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। जैसे कंपनी बना लेते हो, उसे सेलेक्ट कर लेते हो, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद गेट ऑफ टेली इस साइड में आ जाएगा, इसमें आपको मास्टर्स के अंदर पेरोल इन्फो एंड ट्रांजेक्शन के अंदर पेरोल बाउचर आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो आपने बाउचर का टॉपिक अभी चालू नहीं किया है, अभी आपने कंपनी बनाई है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बार फिर से वापस जाना है और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और यूट्यूब चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में टेली डॉट ईआरपी9 पे क्लिक कर लें। क्लिक करके वहाँ पे 129 नंबर की क्लास से लेके और आज तक की जितनी क्लासें कंटिन्यू देखनी है, समझनी है, और सभी जो चीजें मैंने क्रिएट कराई वो सभी आपके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट कर लें, तभी आज का टॉपिक होगा, वरना नहीं होगा। चलिए आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है आज के टॉपिक में हम लोग ट्रांजेक्शन की पेमेंट एंट्री पास करें तो अकाउंटिंग बाउचर में जाना होगा और यहाँ पे आपको पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट यदि नहीं आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है परचेज, कोई भी टॉपिक इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको पेमेंट लाना है। पेमेंट का शॉर्टकट है F5, F5 प्रेस करें कीबोर्ड से या पेमेंट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा, रेड कलर में पेमेंट लिख के आना चाहिए, इसका मतलब अकाउंटिंग में पेमेंट बाउचर चालू हो चुका है। अब मुझे पेमेंट की मुझे पेरोल की ऑटोफिल एंट्री पास करनी है, उसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ A, कीबोर्ड से ऑल्ट A प्रेस कर लें या फिर पेरोल ऑटोफिल पे क्लिक करें। यहाँ करने के बाद में आप जाओगे तो यहाँ पे प्रोसेस लिस्ट में से आपको पेमेंट ऑटोफिल में आपको लेना होगा ईएसआई चालान, क्योंकि हम लोग आज हम ईएसआई चालान कर रहे हैं, और उसमें फ्रॉम में आपकी जो मंथ की डेट है वो लेना है। 1 अगस्त 2023 आ रहा है, अगर आपकी मंथ की डेट अलग है तो एक डॉट लिख के उस मंथ को डालें, एंटर प्रेस कर दें, ईयर जो आएगा ऑटोमेटिक आएगा जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा। 2, आपको एंड डेट डालनी है, यहाँ पे मंथ की एंड डेट आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो आप उस मंथ की डेट डालें और डॉट लगा के मंथ डाल दें, बाकी ईयर ऑटोमेटिक उठाएगा जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा। बाउचर डेट वो जी जो वो अपने आप होगी, जो भी आप यहाँ पे बाउचर डेट डालना चाहते हैं, हम लोग मंथ के एंड ही अक्सर डालते हैं तो मंथ के एंड में हम लोग ये कर रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है, दूसरा यहाँ एम्प्लॉय सभी एम्प्लॉय लेना चाहते हैं इसलिए ऑल आइटम लेंगे। देन जो पेरोल का लेजर है, हम ईएसआई चालान कर रहे हैं इसलिए ईएसआई पेबल लेंगे, और यहाँ पे जो बैंक और कैश लेजर है इसमें से बैंक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैश की एंट्री पास कर रहा हूँ। और इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट के सामने कैश और टोटल ईएसआई पेबल जो बना है वो बना है 715, और 715 में मनोज चौधरी का और विशेष शर्मा के जो भी यहाँ पे आएगा वो दिखाई दे रहा है। ईएसआई डिडक्शन और यहाँ पे आ रहा है, ये सारी चीजें मिला के टोटल बनता है 978 रुपये। तो 978 रुपये टोटल बन रहा है। ये इस तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया वैसे एंट्री हो चुकी है। शॉर्टकट है एक्सेप्ट करने का कंट्रोल के साथ, ए कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें या फिर यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद में एंट्री पास हो जाएगी। अब देखना चाहते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट हुई है या नहीं, उसके लिए एस्केप की से बैक आ जाएं, देन डिस्प्ले डे बुक में जाएं, डबल डी से भी जा सकते हैं या डिस्प्ले पे क्लिक करके डे बुक पे जाएं। डे बुक पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 31 अगस्त 2023 को ईएसआई पेबल, और यहाँ पे पेमेंट का वाउचर है 14 नंबर का है और तो 715 एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था वैसा सेम टू सेम आ गया है। इसका मतलब एंट्री हो चुकी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज इस वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप सारे पेरोल के टॉपिक स्टेप बाय स्टेप फिर से करें, नई कंपनी क्रिएट करें, प्रैक्टिकल करें और यहाँ तक पहुंचे, आपको 100% ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार में कोई भी चीज समझ में आती है आप बार बार करें, कम से कम एक टॉपिक को 5 बार करें, आपको 5 बार में 100% समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।